फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं। आपको मेरी प्रोफाइल पिक पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप मेरी प्रोफाइल पिक पर क्लिक करेंगे, यहाँ ऊपर आपको एक प्लेलिस्ट नज़र आएगी। आपको इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको कई सारे फोल्डर्स नज़र आएंगे, जैसे कि मिस्टेक्स इन इंग्लिश है, अमेरिकन वर्सेज ब्रिटिश इंग्लिश, डेली लाइफ सेंटेंसेज, फ्रेजल वर्ब्स, प्रीपोजिशन, पैसिव वॉइस, कंजंक्शन, इडियम्स, न्यूज़पेपर वोकैबुलरी, लगभग सभी टॉपिक्स पर मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ। तो जो भी वीडियो आपको देखनी हो, आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम टू होम वोकैबुलरी पार्ट 3। फ्रेंड्स, बेड के ऊपर जो तकिए होते हैं उनको पिलो बोला जाता है। उसी तरह से फ्रेंड्स, सोफे के ऊपर जो तकिए होते हैं या जो गद्दियाँ होती हैं उनको कुशन बोला जाता है। उसी तरह से फ्रेंड्स, रिक्लाइन चेयर, फोल्डिंग चेयर, लेटर बैक चेयर, रिवॉल्विंग चेयर, रॉकिंग चेयर, क्लब चेयर। रिवॉल्विंग चेयर उसे कहा जाता है जो चारों तरफ मूव कर सकती है, यानी आप बैठ करके इधर उधर अपनी चेयर को घुमा सकते हैं। और रॉकिंग चेयर वो होती है जिस पर हम बैठते हैं और आगे पीछे मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो स्टूल होता है, नॉर्मली तो हम स्टूल यूज़ करते हैं, उसको स्टूल बोला जाता है। और जो छोटे स्टूल होते हैं उनको मिनी स्टूल बोला जाता है, और जो सबसे बड़े स्टूल होते हैं उनको बार स्टूल बोला जाता है। उसी तरह से फ्रेंड्स, जो कीले होती हैं उनको नेल बोला जाता है, प्लस और स्क्रू, सो स्क्रू ड्राइवर, टेप मेजर, व्रेंच, हैमर, लेडर, मंकी व्रेंच, हैंड ड्रिल, मैट्रेस, टैप, ड्रेन। तो फ्रेंड्स, ये था होम वोकैबुलरी पार्ट 3। आई होप आपने इस लेसन को एंजॉय किया हो। फ्रेंड्स, आज के लेसन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको इंस्टेंटली मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बी हैप्पी, बी रिलैक्स, कैच यू लेटर।